हेलो सर। हेलो। यस, तुमको यस सर। आंसर मिला। व्हाट इज सर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? क्योंकि एच प्लस का बेसिसिटी मतलब जो एसीएल उसका बेसिसिटी कम होता है इसीलिए। नो, एनीवन एल्स? सर यस क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं, जबकि वीक एसिड पार्ट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। स्ट्रॉन्ग एसिड इज फुल्ली डिसोसिएटेड, बट पार्ट वीक एसिड्स आर पार्शियली डिसोसिएटेड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं दो एसिड को कंपेयर करूं तो मैं किसको बोलूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग है। सपोज करो HCl एंड H2SO4, ये भी फुल्ली डिसोसिएट होता है, ये भी फुल्ली टूट जाता है। दे आर फुल्ली डिसोसिएटेड, मीन्स दैट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट? बट अमॉन्ग दिस टू विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग, ये बताना है। सर जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा वीक होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? इट इज आयोनिक कंपाउंड, इट ब्रेक डाउन। सर जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा वो वाला ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा सर। नहीं। अच्छा देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल सर नॉलेज से अगर बोलोगे तो भी हो जाएगा। कि एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एच प्लस आयन को रिलीज करे, है ना? तो जो एच प्लस आयन यस को सर। जल्दी रिलीज कर दे या आसानी से रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिंपल, इसमें इतना ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग सोचने वाला नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा विच ऐसा एससीएल होगा सर। इजिली रिलीज एच प्लस आयन, दैट्स ऑल। जो स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन में अगर हम लोग बोलेंगे तो इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होगा तुम अभी नहीं बता सकते ऐसे कि कौन पहले छोड़ देगा। ठीक है, इसको समझते हैं क्या दूसरे एग्जांपल से। ये मैंने तो एसिड का एग्जांपल बताया था, चलो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है एमोंग, हमारा फेमस एग्जांपल, HF HCl HBr NHI। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? ये आंसर बताने से पहले थोड़ा और सुन लो इसके बारे में। सर तो सुन लो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वगैरह जो भी है, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, सबसे डेंजरस एसिड जो होता है वो HF होता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, एज इन की नहीं कि हाथ पे गिरा तो हाथ जल जाएगा, ऐसा कुछ। ये इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसमें फ्लोरीन आयन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये स्किन के थ्रू एंटर करके जाके सीधे बोन पे अटैक करता है। सो द मोस्ट डेंजरस एसिड इज HF एसिड। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेंजरस, आई आस्क अबाउट विच अमॉन्ग देम विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जिसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं वो है विच इज रिलीज एच प्लस आयन। यस, नाउ आंसर। विच वन इज द स्ट्रॉन्ग अमॉन्ग देम? HI HI स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? HF से? नहीं, सर क्योंकि उनका बॉन्ड कमजोर है जिसकी वजह से एच हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाता है। यस करेक्ट। लुक, इस सब में अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा था जस्ट अभी यहां पर, कि बॉन्ड लेंथ जो होता है यस सबसे सर। छोटा होता है HF का। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होता है HF का और सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है HI का। तो सबसे इजीली कौन सा टूट जाएगा, HF टूटेगा या HI टूटेगा? यस, अच्छा HI टूटेगा। तो यहाँ देखो, हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होता है मेरा एसिडिक कैरेक्टर का। जितना बड़ा बॉन्ड वो उतना जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे जब बड़ा बॉन्ड होता है HI का, तो सबसे कंपेरेटिवली केमिस्ट्री के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। ये मत बोलो कि डेंजरस, अब ये समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। लोग बोलते हैं HF तो डेंजरस होता है, फिर आप HI को क्यों बोल रहे हो? तो इसका रीजन ये है, इसका एसिडिक ऑर्डर ऐसे लिखोगे, एसिडिक नेचर इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। और वी कैन से सर दैट देन इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
यस, बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एक जब एक दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इसके बीच का डिस्टेंस जो है इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन में था, तो यहाँ पे कॉम्पेरेटिव स्टडी कर दिया हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है उतना ही बॉन्ड का लेंथ छोटा हो जाता है और एज ए रिजल्ट एसिडिक नेचर भी कम हो जाता है। Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Next is your formation of hydrogen bond. तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकते हैं? ओनली फ्लोरिन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरिन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दिस काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे, दो टाइप का, तीन टाइप का होता है, याद रखना। ये ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड करता है, एंड द रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। दिस इज नॉट, दिस इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इन अदर वे वी कैन से दैट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे वो, उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, एक पोएम की तरह याद रख लो, मेटल्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई मेटालिक कैरेक्टर मतलब लूज इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक कैरेक्टर कौन फॉलो करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मीन्स मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मीन्स नॉन मेटल्स। क्लियर? नाउ ये रेसिप्रोकल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर होगा मेरा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर इंक्रीज कर रहा था, नहीं? यस सर, तब इधर डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यस, यहाँ पे आयनिक करेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम अभी देखा हमने डिक्रीज कर रहा था। सो मेटालिक करेक्टर इसका उल्टा होता है, तो इधर ये डिक्रीज करेगा और इधर इंक्रीज करेगा। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, और इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी तुम लोग बोल सकते हो, जो जैसे लिखा हुआ था, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी बहुत जगह आंसर किया जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, कोई भी मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए, इस चीज को समझते हैं सबसे पहले। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इज लो फॉर, लो फॉर मेटल्स। Why? Anyone can answer this? Ionization potential जो होता है कम होता है metals के लिए। सर, क्योंकि metals बहुत जल्दी electron जो है इतना छोड़ देते हैं, दे देते हैं noble gas configuration achieve करने के लिए। हाँ, इसका मतलब उनको कम energy भी provide करो तो अपना electron release कर दे। Yes sir। तो जब कोई metal है, suppose करो gaseous metal है, isolated gaseous metal का atom, तो इसको जो मैं एनर्जी दूंगा इसको कहेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड एज ए रिजल्ट ये क्या बनाएगा हमारा? कैटायन बनेगा, M plus। Yes sir। ठीक है, सो मेटल्स के केस में हमको लो एनर्जी देने से भी
लो एनर्जी देने से भी आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाना चाहिए। सो मेटल्स के लिए, मेटल्स का सबसे पहला क्राइटेरिया हमने बोला मेटल्स कैन फॉर्म, मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अभी तक आप लोग 9-10 तक ये बोलते थे, अब क्या आप बोलोगे मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्लियर? एंड नॉन मेटल्स हैव, क्या बोलोगे मेटल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और हम लोग बोल सकते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने नहीं चाहेंगे ये लोग, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे। सो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। और नॉन मेटल्स का क्या हो जाएगा? सर हाई आईपी एंड लो ईए। वेट अ मिनट, हेलो, यस, नॉन मेटल्स के लिए इसका रेसिप्रोकल। सो हम लोग इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट? यस सर। और वी कैन से दैट लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तुम लोग ये छोटी छोटी बातें जो अभी सीख रहे हो, सोचोगे कि ये कहाँ यूज होने वाला है, तो मैं बताऊंगी कि बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। इन छोटी छोटी चीजों को कहीं लिख रहे हो तो अच्छे तरीके से लिखना और इसको बार बार देखना और याद करना। सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये पूरा हम लोग पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हम लोग कैसे समझेंगे, आ रहे हैं हम लोग उस टॉपिक, वो चैप्टर में करवाऊंगा। इसीलिए इन सब चीजों को अच्छे तरीके से देखो। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर का, एंड दैट इज व्हाई इधर इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है एंड वाइस वर्सा। क्लियर? यस सर। जो मैंने बात कही है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने कहा वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये सबसे पहले होते हैं, फर्स्ट वाला ग्रुप ही इनका है, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा बताओ सर? कौन सा फैमिली सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक? सर फ्लोरीन फैमिली। यस, दैट इज हैलोजन। हैलोजन्स आर नॉन मेटालिक। यस सर। इस बेसिस पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब अभी तक तुम लोग देखते होगे तो कंफ्यूजन लगता होगा। मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल लेके आता हूँ, ये रहा पीरियोडिक टेबल। तुम लोग के पास एक पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट घर में होना चाहिए, या बुक में जो है उसको एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल खरीदो, चार्ट की तरह आता है 15-20 रुपये का, और घर पे कैलेंडर की तरह लगा दो और हर रोज सुबह उठ के उसको 2 मिनट के लिए देखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो कलर्स किया हुआ है ना, कलर्स का रीजन है, देखो yes, नीचे लिखा होता हुआ है, यहाँ मार्क करता है, यहाँ लिखा है, बट जो बड़ा पीरियोडिक टेबल होता है ना उसमें 3 ही कलर होते हैं, एक मेटल के लिए, एक नॉन मेटल्स के लिए, एक मेटलॉइड। तो उस कलरिंग में देखोगे कि ये सारे मेटल्स हैं, जैसे ये पूरा फैमिली ही मेटल है, इधर में भी ये भी मेटल, ये नॉन मेटल होता है, ये मेटल होता है, एल्यूमिनियम से मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम को ले लेता है लोग, ठीक है, यहाँ पे आर्सेनिक होता है, फिर यहाँ टेलेरियम होता है, पोलोनियम होता है, यहाँ कलर किया हुआ है ये, जिसमें ये जो चार है ना, ये जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। यस यस, मेटल भी नहीं कहा जाता ना नॉन मेटल बोला जाता है, इनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। द रीजन इज देखो इनका नेचर जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच पड़ जा रहा है। यस, दैट इज व्हाई इनका बिहेवियर भी, यस, सो इनका प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आ गया,
इसीलिए मेटलॉइड्स हो गए, और इधर वाले सारे मेटल हो गए, इधर वाले नॉन मेटल हो गए। सबसे ज्यादा जो यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होता है इन केस ऑफ योर सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये सब अलग एप्लीकेशन है, वो सब देख सकते हो। सिलिकॉन को भी बहुत जगह मेटलॉइड्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, देखना तुम लोग नया पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा हुआ है। सर कार्बन नॉन मेटल है ना? Yes, carbon is non-metal. Okay, so next topic is, yeah, तो ये समझ में आ गया। अब ये comparative chart बना दिया गया है, अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है उसका पूरा overall chart है ये, ठीक है? इसको याद रखना कि atomic volume नहीं पढ़ा हमने, atomic radius is atomic volume are same, okay? Yes, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना, 4 पाई आर, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो रेडियस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। अगर एक एटम को एक स्फीयर समझो तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम भी उतना ज्यादा होगा। इसमें बस ये याद रखना कि एटॉमिक रेडियस का ही ऑर्डर ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बाकी सब का एटॉमिक वॉल्यूम छोड़ो, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ भूल जाओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देन मेटालिक कैरेक्टर और योर डिसऑर्डर, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मेटालिक कैरेक्टर भी डाल दिया, छोड़ो माय मिस्टेक, इसमें मेटालिक कैरेक्टर भी मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर याद रखना क्या है हमें, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ऐसा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ऑर्डर कैसा होता है, इधर इंक्रीज करेगा उस और इधर डिक्रीज करेगा। ये बेसिकली ये चारों याद रख लो, बाकी सब तो इसका एप्लीकेशन ही तो है। मेटालिक कैरेक्टर किसको फॉलो करेगा, मेटालिक कैरेक्टर किसको फॉलो करेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का उल्टा होगा, आईपी का रिवर्स होगा, रिवर्स, इसको रिवर्स कर दो, एटॉमिक रेडी फॉलो करेगा, यस, और आईपी से याद रखो, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स कर दो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आईपी को फॉलो करेगा, जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फॉलो करेगा, देखो फॉलो कर रहा है, और एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो एटॉमिक रेडियस को फॉलो करेगा। What is the difference between radius and radii? Sir, radii is plural form of radius. Yes, that's all. बहुत सारे radius, radiuses नहीं बोलते हैं, that is called radii. Correct. Okay, so we are wrap up this chapter. It's your turn to ask questions, if you have some. The last topic is still remain. Okay, last topic एक रह गया, इसको कर लेते हैं हम लोग। Last topic is acidic and basic behavior of oxides and hydroxides. Oxides का और hydroxides का acidic and basic behavior कैसे बताते हैं? तो इसके लिए एक poem है और trick है, जो भी बोलो इसको याद रखना है। Metals जो होते हैं वो हमेशा basic oxide बनाते हैं, Yes, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। यस सर, मेटल्स कैन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आल्सो, एंड नॉन मेटल्स कैन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। सो मेटल का ऑक्साइड का एग्जांपल देखो, जैसे लिथियम, एल्केली मेटल क्या थे, सारे मेटल्स थे ना, जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स हैं, तो इनका आप ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ले लो, सारे बेसिक होंगे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स, तो इनका ऑक्साइड जैसे ही हम लोग लेंगे ये सारे हमारा नॉन सॉरी एसिडिक ऑक्साइड बन जाएंगे। और एम्फोटिडिक नेचर का मतलब क्या होता है किसी ऑक्साइड का, जिसके पास दोनों बिहेवियर, जो दोनों होता है सर, सर एल्युमिनियम ऑक्साइड, Yes, it is called metalloid. It followed by metalloids.
एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रेयरली बिहेव एज एम्फोटेरिक इन नेचर. यस इट हैज एम्फोटेरिक बिहेवियर बट बेटर आंसर्स आर मेटलॉइड्स ले लो बिकॉज दे आर इंटर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे. एम्फोटेरिक मीन्स इंटरमीडिएट, दो चीजों के बीचों बीच. दे बिहेव लाइक एसिड, दे बिहेव लाइक बेस. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एनी क्वेश्चंस? Yes, any question from this chapter? No, sir. Sir? Yes, bol. Sir, ionization potential was the madam energy required to add an atom, and electron affinity is energy required to release one atom. Sir, ionization potential is the amount of energy required to release one electron. Okay, ionization potential is the amount of energy required to remove one electron from the outermost shell of a isolated gaseous atom. हिंदी में बोला जाए तो एक isolated gaseous atom के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ले जाके उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने के लिए मुझे जितना एनर्जी खर्च करना पड़े या फिर वो एटम जितना एनर्जी रिलीज कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Electron affinity. Yes. है ना? Okay. Anything else? Sir. Yes. Sir, आपने बताया था कि वो जो HF acid होता है वो बहुत ही ज्यादा dangerous होता है sir. वो bone ने भी affect करता है sir. Yes. कभी भी chemistry lab में जाओ, ये हम लोग जो मेरा केमिस्ट्री लैब था यूनिवर्सिटी में, हम लोग का एक रूल जो बनाया हुआ रहता था वो यही होता था कि कभी भी केमिस्ट्री लैब में अकेले नहीं जाना है. किसी भी लैब में, फिजिक्स में आप जाओ लेकिन केमिस्ट्री के लैब में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए बिकॉज केमिस्ट्री का लैब में एक्सीडेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है. और बिना सोचे समझे किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टच नहीं करना चाहिए. ठीक है, अभी जो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इस 11-12 में, ये यही सिखाता है हम लोग को कि केमिस्ट्री लैब जो होता है सबसे सेंसिटिव लैब होता है. ठीक है, मेरा ही यूनिवर्सिटी का एक केस था कि किसी ने स्मेल कर लिया था एचएफ एसिड को, और ये एचएफ एसिड जाके उसके नोज के अंदर जो बोन होता है यहाँ पे उसको पूरा मेल्ट कर दिया था अंदर से. आफ्टर 1 or 2 years उसका इफेक्ट देखने मिला था. ओके, इट्स वेरी डेंजरस. बर्न नहीं हो जाता है स्क्रीन, लेकिन फ्लोरीन जो होता है काफी छोटा सा एटम है, बहुत छोटा सा एटम है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है उसका. तो इसका मतलब उसका रिएक्ट करने का पावर ज्यादा है. तो इतना छोटा आयन जाके कहीं भी रिएक्ट कर जाता है. क्लोरीन कॉम्पेरेटिवली लेस डेंजरस है. क्लोरीन से तुम लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो अपने लाइफ में. क्लोरीन से कहाँ इंटरेक्ट करते हो? एनीवन? सर, नमक. स्विमिंग पूल. यस, नमक होता है. स्विमिंग पूल. वेयर? स्विमिंग पूल. क्लोरीन का स्मेल भी तुम लोगों ने मतलब फील किया हुआ है. सर, वो जो हम लोग एक व्हाइट कलर का पाउडर डालते हैं उसका नाम मैं भूल गया. दैट इज ब्लीचिंग पाउडर सर. उसमें यस सर, CaOCl Cl, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. When you release इसको जैसे ही वाटर के साथ ये एक्शन रिएक्ट करता है ना ब्लीचिंग पाउडर, ये क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करता है. और ये जो होता है ये काफी डेंजरस भी थोड़ा बहुत होता है, इसलिए इसका स्मेल अच्छा नहीं होता. इससे मच्छर वगैरह जो होते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डेंजरस हमारे लिए नहीं.
इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन तुम लोग करके देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में फ्लोरीन फैमिली पढ़ाते वक्त, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस करना, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो अगर तुम्हारे पास एक ब्लू जींस हो, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा पानी के साथ, हल्का सा पानी के साथ, और उसके बाद उसको वॉश करो, तो आप देखोगे वो एरिया जो है पूरा व्हाइट हो गया है, ठीक है, कलर को कलरलेस बना देता है। द सेम थिंग कैन बी डन बाई H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो दे हैव ब्लीचिंग एक्शन, क्लोरीन ब्लीच एंड ऑक्सीजन ब्लीच। तो एडवर्टाइजमेंट सुना होगा तुम लोगों ने, कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है वैनिश और समथिंग, कुछ एक प्रोडक्ट का जो बोलता है कि इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ब्लीच नॉट क्लोरीन ब्लीच, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। लड़कियां वो फेस पे लगाती हैं ब्लीच, दैट इज योर ऑक्सीजन ब्लीच नॉट क्लोरीन ब्लीच, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, हल्के धीरे धीरे काम करता है, क्लोरीन होता है एकदम कोरोड कर देता है अंदर से जाके। अपार्ट फ्रॉम दैट HF एसिड कितना ज्यादा कोरोसिव होता है, ये तुम लोग सपोज कर सकते हो कि HF एसिड को कभी भी कांच के बोतल में नहीं रखा जाता, ग्लास बोतल के साथ HF एसिड रिएक्ट कर जाता है और उसको कोरोड कर देता है, इसको कहते हैं एचिंग प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एचिंग। इसको अप्लाई किया जाता है, कभी ग्लास का डिजाइन देखे होगे तुम लोग, सपोज करो कि तुम लोग को एक ग्लास के ऊपर अपना नाम लिखना है, ठीक है, और चलो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ये नाम तुम लोगों को ग्लास के ऊपर लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, तो वहां पर फ्लोरीन डाल देंगे। हाँ, लेकिन कैसे डालेंगे, ऐसे तो नहीं डाल सकते, तो सबसे पहले यहाँ पे वैक्स लगा दो, पूरे इस पे वैक्स लगा दो, क्योंकि वैक्स से नहीं रिएक्ट करता है। और उसके बाद इसमें जो आपको नाम या जो डिजाइन बनाना है उसको कट आउट कर लो, ठीक है, उसको मैंने कट आउट कर लिया, एंड देन यहाँ पर HF डाल दो। HF डाल के थोड़ी देर छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसमें वाटर डाल के इसको वॉश कर दो। वॉश करने के बाद वैक्स जब हटाओगे तो जहां जहां HF था वहां पे छोटा छोटा खुरदरा छेद कर देता है ग्लास में, तो वो जगह मुझे एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा, दैट पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय एचिंग, दैट मेथड इज कॉल्ड एचिंग। अब ये छोटा सा एप्लीकेशन तुम लोग को यहां लग रहा है कि ये एप्लीकेशन कहां यूज होता है, HF एसिड, ये जो ग्लास मैं बोल रहा हूँ, ग्लास इज नथिंग बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट HF इज रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये यूज होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में। जो तुम मोबाइल फोन अभी यूज कर रहे हो, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये सब कुछ सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। यस सर, ठीक है, इसके अंदर माइक्रोचिप्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स के हैं, जो सिलिकॉन के बने होते हैं। 95-98% चिप्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, और सिलिकॉन से चिप बनाने का जो प्रोसेस होता है वहाँ बहुत बार मुझे एचिंग करना पड़ता है, एचिंग कर करके फिर डिफ्यूजन, बहुत सारा प्रोसेस है, इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो वहां पर ये HF एसिड यूज होता है एज ए एजेंट। तो ये देखो, केमिस्ट्री जो है, साइंस जो होता है ना, साइंस और इंजीनियरिंग में डिफरेंस है कि साइंस होता है कि नेचर को स्टडी करो, और इंजीनियरिंग होता है कि जो स्टडी किया उसको अप्लाई करो। सो ये एप्लीकेशन है, तो अप्लाई तभी कर पाओगे जब तुम लोग का बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगा। तो अपना फंडामेंटल जब नॉलेज स्ट्रांग कर रहे हो, तो इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहा करो लोग, साइंस आर्टिकल, फिर तुम लोग को वैसा वैसा चीज सुनने मिलेगा। जैसे अभी मैंने एक टॉपिक बताया कि सेमीकंडक्टर में HF यूज हो रहा है, सो यू आर क्यूरियस अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दिस क्यूरियोसिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। Okay then? Yes, sir. We wrap up this session here.